ओम ओम, सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, आज हम आप सबके लिए गंभीर कमर दर्द की चिकित्सा कैसे की जाए वो विशेष आसन बताने जा रहे हैं, जिन आसनों से आप जो लंबे समय से कमर दर्द से पीड़ित रहते हैं वो कुछ आसन यदि आप गंभीरता के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कमर दर्द ठीक होगा, ऐसा मैं आपको योग बताने जा रहा हूँ। तो सज्जनों, सबसे पहले हमें कमर दर्द में कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। यदि हम लेटते हैं, बिस्तर पर लेट रहे हैं या थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए वैसे लेट रहे हैं, तो कई कई तकिए लगा के बेड पोस्चर कर लेते हैं, हम टेढ़े मेढ़े होकर लेटते हैं, वो कमर दर्द का कारण बनता है। तो ऐसा हम ना करें, ये सावधानी हो। उसके पश्चात हम जब सोने जा रहे हैं तो हम करवट लेते हुए लेटें और करवट लेते हुए यदि हमें उठना है तो बैठें, और हमें जब खड़े होना है, गंभीर कमर दर्द की बात कर रहा हूँ मैं, सामान्य कमर दर्द में तो बिना सावधानी भी आप चलें कोई बात नहीं, लेकिन गंभीर कमर दर्द में हमें प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। जब हम खड़े हों तो भी कैसे खड़े हों, और वजन उठाते हैं, कोई बाल्टी इत्यादि उठाते हैं तो भी हम कैसे प्रिकॉशन के साथ, सावधानी के साथ उसको उठाएं। तो हम सबसे पहले लेटने का तरीका देखिए। जब आप लेटेंगे तो ये हाथ यहाँ टिकाया, बिस्तर पे लेटने जा रहे हैं, ये हाथ यहाँ टिकाया, सहारा लिया और ऐसे आप लेटे, फिर ये एडी टिकाई इधर, इस एडी के सहारे से आप शरीर को ऐसे लेके आएंगे, ये करवट लिया और अब आप लेट गए। मान लीजिए आपको उठना है तो ये पैर मोड़ा, इस एडी से शरीर को ऐसे धक्का देंगे, हाथ आप ऐसे ले जाएंगे, क्योंकि यदि आपका हाथ यहाँ रहेगा तो आपके वो हाथ के ऊपर से पलटना पड़ेगा, 3 इंच का, 2.5 इंच का, 4 इंच का हाथ मोटा है तो इसके ऊपर से पलटना पड़ेगा, ये हाथ आप यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारा सारा शरीर फ्लैट हो गया बिल्कुल, और ऐसे आप पलट जाएंगे आसानी से। इस कोहनी के बल, इस हथेली के बल आप ऐसे धीरे से उठेंगे, फिर हथेलियों को सरकाते हुए प्रॉपर उठ जाएंगे। ये आपने सावधानी बरतनी चाहिए यदि आपको कमर में गंभीर दर्द है। तो अब हम लेट गए और कुछ लेटने वाले आसन करेंगे। तो देखिए, ये शव आसन में लेट गए, शरीर ढीला। अब आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लंबा पीछे खींचिए, ऐसे पैर उस तरफ सामने की तरफ खींचने हैं, पंजे टोज मिले हुए पैर और हाथ ऐसे अंगड़ाई लीजिए अच्छे से, नाभि से नीचे का शरीर नीचे की ओर खिंचा रहे, ऊपर का ऊपर की ओर। ये सर्वोत्तान आसन, सामान्य श्वास करके आसन में जितनी देर चाहे रुक सकते हैं। वापिस आए, फिर श्वास भरा और ये खींचा। अब आप एक पैर मोड़ें ऐसे, ये पवन मुक्तासन, श्वास बाहर करते हुए घुटना पेट पे दबाना है। गंभीर कमर दर्द में ऐसे सिर उठा के ठोड़ी नहीं लगानी, आपने सिर जमीन पे ही रखना है, सामान्य श्वास चलता रहे। ये कूल्हे में खिंचाव आ रहा है और कमर में खिंचाव आ रहा है, लोअर बैक में, लंबर्स में, L1, 2, 3, 4, 5, वो सब में खिंचाव आने से आपका कमर दर्द ठीक होगा। फिर आप दूसरे पैर से करें ऐसे ही, फिर दोनों पैरों से करें, ये श्वास बाहर करके दोनों घुटने पैरों के पंजे ऐसे खींचे हुए और रुके रहें, श्वास फूलेगा, श्वास अंदर बाहर होगा, जब नॉर्मल चलेगा तो पेट फूलेगा और सिकुड़ेगा, पेट फूलेगा सिकुड़ेगा, ये हिस्सा आपका खिंचा रहेगा। तो लंबर्स में खिंचाव आने से आपका कमर दर्द ठीक होगा। धीरे से श्वास बाहर करते हुए यदि आपको कमर दर्द बहुत दिन से सता रहा है तो पहले एक पैर टिकाएं, फिर दूसरा टिकाएं, ऐसे एक साथ वापस ना करें, एक एक टिकाया फिर एक एक पैर सीधा कर दें। ये मैं गंभीर समस्या वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी सामान्य कमर दर्द में दोनों पैर इकट्ठे फिसला के सीधे कर दें। ये हुआ एक पैर से पवन मुक्तासन, पहले उससे किया, फिर उससे किया, फिर दोनों से इकट्ठा किया, और अब आप करेंगे अर्ध सेतु बंधासन। तो सज्जनों, इसमें ये कमर को ऊंचा उठाया, श्वास भर के ऐसे पुल जैसी आकृति, आधा पुल, अर्ध सेतु, ये हाथ ऐसे लिए, हथेलियां कमर के नीचे इस तरह से
श्वास सामान्य करके आसन में बने रहे, थोड़ी देर रुके रहें और आपका कमर में जो खिंचाव आएगा, हाँ इतना जरूर ध्यान रखें जहाँ तक आप कंफर्टेबली उठा सकें वहाँ तक उठाएं। बहुत ऊंचा उठाने में यदि दर्द आ रहा है तो थोड़ा नीचा कर लें। धीरे से वापसी, विश्राम। यह था अर्ध सेतु बंधासन। अब इसको देखिए, ये आसन थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। पैर ऐसे मोड़ लिए, कूल्हे हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये हिस्सा नहीं हिलेगा। आपने ये उठाना है बस, लोअर बैक और कमर के नीचे से हाथ आपका ऐसे निकल जाए। ये मैं इधर का हाथ निकाल रहा हूँ जो आपको दिख जाए, लोअर बैक उठाई हुई है, हिप्स नहीं हिलेंगे बिल्कुल भी। ये हाथ आ गया इधर से, तो ऐसे स्ट्रेच करना है लोअर बैक को, ऊपर को, लंबर्स पे, L1, 2, 3, 4, 5 सब पे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, आपके कमर के दर्द को ठीक करेगा। ये हाथ दिख रहा आपको। अब आप इसको हाथ निकालने के बाद समझिए, मेरा हाथ जो नीचे दबा हुआ है इसके जगह हाथ ना हो करके आपकी एक ट्यूबलाइट है, तो उसको चटकाना है आपने। यानी कि ये मैंने हाथ निकाल लिया, अब श्वास भरेंगे और कमर को से धरती पे प्रेशर देना है, श्वास भर के ये दबाया, तो यहाँ अगर ट्यूबलाइट होती तो वो चटक जाती, पूरी कमर का प्रेशर नीचे को है। ऐसा करने में यदि किसी को सिर में तकलीफ है तो सिर में भारीपन आ सकता है, तो वो थोड़ा प्रेशर कम कर लें, लेकिन कमर दर्द में विशेष लाभ करने वाला है ये। ये जो कमर उठाई थी थोड़ी सी, इसको कटियुत्तान बोलेंगे, और ये कटिमर्दन आसन, कटी से कमर से यानी कि धरती को दबाना है, एक तरह से मसलना कह लीजिए, हम मसल तो नहीं सकते धरती माता को, लेकिन कटिमर्दन आसन इसका नाम। ये किया, उसके पश्चात शरीर ढीला कर दिया। अब इसकी आवृत्तियाँ कर सकते हैं आप, एक बार फिर ऊपर उठाया, ये उठा लिया ऊपर, फिर नीचे दबाया श्वास भर के, बाद में श्वास सामान्य करके आप रोके रखें। इसकी आवृत्तियाँ आप जितना ठीक समझो उतना करें। फिर आपने ये पैर ऊपर रखना है, दोनों हाथ ऐसे फैला लिए, मरकट आसन करने जा रहे हैं हम। अब मरकट संस्कृत भाषा में बंदर को बोलते हैं, तो बंदर जैसी हरकतें करता रहता है टेढ़ा मेढ़ा, और अपनी रीढ़ की हड्डी को वो ट्विस्ट करता है इस तरह से। ये कुंदे खिंचते जा रहे हैं, देखिए ये कसेरु खिंचते जा रहे हैं सारे हमारे कूल्हे, और रीढ़ की हड्डी में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, और इसको घुटने को जमीन तक दबाना है ऐसे। ये खिंचा, सारा खिंचाव आपके लंबर्स पे, आपके कमर के जो जहाँ इफेक्टेड एरिया है उस पे खिंचाव आएगा, लेकिन ध्यान इतना भी रहे कि जहाँ तक आपको अच्छा लगे वहीं तक करना है। यदि इतना अच्छा लग रहा है तो यहाँ तक रोकें और ना दबाएं, और अच्छा लग रहा है खिंचाव तो और दबाने की कोशिश। थोड़ी देर सामान्य श्वास चलता रहे और आप अपने आसन में रुके रहें, श्वास बाहर करते हुए ऐसे घुटने खड़े किए, धीरे से वापसी, ये पैर नीचे उतारा, फिर दूसरा पैर रखा ऐसे। अब श्वास भरें, चेहरा दूसरी तरफ जाएगा, ये घुटना इस तरफ आएगा। मान लीजिए इतना करने से आपको दर्द आने लगा तो इससे आगे ना बढ़ें, और यदि दर्द नहीं आ रहा तो इसको और टिकाने की कोशिश करें ज़मीन तक। ये बहुत अच्छा खिंचाव आपको आएगा, और ये खिंचाव आपके कमर के उन कशेरुकों को जो कमजोरी जिनमें आई है उनको मजबूती देगा, और लंबर्स को स्थायित्व देगा, स्थिरता देगा। धीरे से श्वास बाहर करते हुए वापसी। इसमें हाथ का जरूर थोड़ा ध्यान रखना होगा, यदि गर्दन इधर जा रही है हमारी तो ये राइट हैंड थोड़ा नीचे जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। धीरे धीरे वापसी, और अब यदि पैर दूसरा बदला हमने तो गर्दन इस तरफ जाएगी, फिर कंधा, गर्दन की तरफ का हाथ कंधे से थोड़ा नीचा रहेगा, दूसरी तरफ का हाथ थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये इस तरह से आप करेंगे, आपका कमर दर्द में विशेष लाभ मिलेगा। इसके पश्चात ये आसन है मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। दोनों पैर ऐसे मोड़े, थोड़े से खोल लिए, पैरों के तलवों में फासला कर लेंगे थोड़ा सा, एक सवा फुट के आसपास, और अब श्वास भरते हुए ये घुटने इस तरफ जाएंगे दोनों, चेहरा दूसरी तरफ जाएगा। जिधर चेहरा गया उस तरफ का हाथ कंधे से थोड़ा सा नीचा, और ये घुटना
तलवे के पास लाना है, ऐसे तलवे के नीचे दबाने की कोशिश, चेहरा दूसरी तरफ, श्वास सामान्य, आसन में रुके रहें, धीरे से वापसी करें, जितनी देर आपको रुकना उतनी देर रुक सकते हैं नॉर्मल श्वास करके, फिर श्वास भरें और अब चेहरा इस तरफ आ गया है तो थोड़ा सा हाथ कंधे से नीचे आ जाएगा और ये तलवे के पास घुटना आ जाएगा। श्वास सामान्य करते रहें, चलने दीजिए। इसमें वैसे मुख्य खिंचाव ये थाइज पे आएगा, घुटने तक आएगा। और अब इस तरफ से हमारा अंतिम आसन, ये मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। तो सज्जनों, इसमें आप ऐसे ये पैर उठाएं 90 डिग्री तक। इसमें ज़्यादा कमर दर्द जिनको सीरियस है, दिक्कत आती है, तो ये ध्यान रखें, जिन्हें सूट करता है वही करें, जिन्हें नहीं करता तो ये हाथ तक पैर को ले जाना है ऐसे, और पकड़ के ये पिंडली से पकड़ें और ऐसे ऐसे खींचना है, पैर को कंधे की तरफ, धीरे से वापसी करें और ऐसे करते हुए भी ले सकते हैं, या आप यहाँ से 90 डिग्री पे ऐसे उठाएं पैर को, फिर श्वास बाहर करते हुए धीरे से वापसी करें। ऐसे ही मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दूसरी ओर से भरा श्वास उठाया, लेकिन 90 डिग्री तक उठाने में ही कमर दर्द आएगा आपको। यदि कमर दर्द आता है तो फिर इसको या तो इस आसन को छोड़ दें, या इसको ऐसे शॉर्टकट भी ले जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके और ये पकड़ा, ये पिंडली, और पिंडली को नीचे से पकड़ना, ऐसे खींचेंगे तो नहीं खींचेगा सज्जनों, यहाँ से पकड़ना है तो इस तरफ ये हाथ खींचेगा आपके पैर को, दूसरा पैर नीचे की तरफ होगा, ये पैर ऊपर की तरफ, और आप धीरे से श्वास बाहर करते वापसी। इसके पश्चात आप करेंगे पेट के बल करने वाले आसन, जो आप पेट के बल करके कमर दर्द में लाभ स्वयं को दे सकते हैं। तो ऐसे इस पैर का सहारा देके आप पलट जाएंगे। मैंने बताया, यदि आप कंधे के ऊपर से पलटेंगे ये हाथ के ऊपर से, तो आपको मोटाई बढ़ गई। इस हाथ को यदि हम लंबा कर देंगे पीछे, तो बहुत अच्छे से सुविधाजनक ढंग से हम पेट के बल होके और अपने मकर आसन में आ जाएंगे। तो ये आप पेट के बल हो गए, और पेट के बल होके ये सिंपल सामान्य भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन भी इसे कहेंगे, ऐसे करना है, बाजू 90 डिग्री पे, हाथ जमीन के समानांतर पैरेलल होगा, और नाभि तक का हिस्सा भूमि पे टिका हुआ होगा, पैर के पंजे मिले हुए और खिंचे हुए होंगे, गर्दन ऊपर खिंची हुई, श्वास सामान्य, लेकिन श्वास सामान्य वाला भी गले से खिंचता रहे ऐसे। क्योंकि यहाँ ये अस्थमा ठीक करेगा, यहाँ ये हृदय के ब्लॉकेज खोलता रहेगा, यहाँ हमारे सर्वाइकल माइग्रेन को ठीक करता रहेगा। हाँ, जिन्हें चक्कर आता हो वो ज़्यादा गर्दन पीछे ना खींचे। अब इसका दूसरा अभ्यास, ये सज्जनों कईयों को सूट करता है, कईयों को नहीं करता, तो इस अभ्यास को वही करें जिनको इसको करते समय कमर दर्द ना आए। ये श्वास भरते गए और धीरे धीरे उठते गए। ये हर्निया में भी नुकसान देता है, ये माताओं बहनों को यूट्रस की समस्या में नुकसान देता है। पहले वाला आधा भुजंगासन सबके लिए लाभकारी है, तो इस आसन को आप उसी हिसाब से करें जितना आपको सूट करे। मेजर कमर दर्द में, यानी गंभीर कमर दर्द में, ये कईयों को सूट नहीं करता, कईयों को मुआफिक नहीं पड़ता, तो ये वाला ही फिर आप ज़्यादा देर करें, स्टेबिलिटी के साथ करें, कुछ देर इसको अधिक समय दें और इसकी आवृत्तियां बढ़ाएं, 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें। इसके पश्चात आप करेंगे अर्धशलभासन, दोनों हाथ ऐसे जंघाओं के नीचे टिकाए, थोड़ी जमीन पर रख सकते हो, कहीं आप खुले में कर रहे हैं, घास के मैदान में कर रहे हैं और घास आपके पास आसन नहीं है, तो फिर आप चेहरा दूसरी तरफ, क्योंकि घास नाक में जाएगी, तो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं ऐसे, और एक पैर को ऐसे उठाना है, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं, पंजा पीछे खिंचा हुआ, उंगलियां ये जंघा को सहारा देंगी। ये अर्धशलभासन कमर दर्द में विशेष लाभकारी है,
सामान्य श्वास रखें और आसन में कुछ देर रुके रहें, जितना रुकना है रुके रहें। इसको जिनके शरीर में थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो वो ऐसे सहारा दे सकते हैं और आपका आसन अधिक देर तक रुक जाएगा, ये सालंब अर्ध सलभासन हो जाएगा आपका। ऐसे रुके रहें, पैर के अंगूठे से यहाँ ग्रिप बनाएंगे, आपकी पकड़ रुक जाएगी, फिर धीरे धीरे फिसलाते हुए पैर को ऐसे सीधा करेंगे। ऐसे ही आपने दूसरा पैर उठाना है, भरा श्वास और ये पैर उठाया, चेहरा इस तरफ आ जाएगा, अब ये पैर मोड़ा, पर सब ऐसे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे ही रख लें, उंगलियां गंगा के ऊपर को सहारा दिए रखेंगी, धीरे से वापसी, विश्राम, और फिर विश्राम करें आप आलंबासन में। ऐसे हथेलियां ठोड़ी के नीचे लगाई, उंगलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां मिली हुई, श्वास सामान्य चलता रहेगा और आप अपने आसन में रुके रहें, यह है आलंबासन। अब आप करेंगे यहीं से सहारा लेके, हथेलियों को सहारा दिया ऐसे, मेजर कमर दर्द में बहुत ज़रूरी है सावधानी के साथ उठना, ये देखिए पूरा सहारा देके घुटनों पे ऐसे उठे आप और इस स्थिति में आ गए, ये है मारजार पोज, बिलावासन। अब इसमें आप श्वास भरेंगे और ऐसे हो जाएंगे, ये कमर में यहाँ गड्ढा बनेगा, झुक जाएगी आपकी कमर, बहुत लाभकारी है कमर दर्द के लिए। ऐसे गला खींचेगा, जब भी आपका जिस भी बहाने से जिसकी मूवमेंट जिस भी मूवमेंट में आपका गला खिंच जाए और आप रुके हुए हैं स्थिरता के साथ अपने आसन में, तो आप अवश्य गले से नॉर्मल श्वास लें ऐसे, क्योंकि हम आसन तो कर रहे हैं कमर दर्द के लिए, ऊपर हमारा अस्थमा भी ठीक हो रहा है, हमारा अस्थमा ठीक होगा, हमारे हृदय के ब्लॉकेज में लाभ मिलेगा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके पश्चात आप दोनों घुटनों पे ऐसे बैठ जाएं, ये वज्रासन, लेकिन जिनके घुटनों में तकलीफ रहती है वो इस आसन में बैठेंगे तो उन्हें तकलीफ बढ़ेगी, तो घुटनों की दर्द वाले इसमें ना बैठें, पर क्योंकि हम कमर दर्द को टारगेट कर रहे हैं तो आप यहाँ दोनों घुटने थोड़े से खोल लें। ये घुटने खुलने से जंघों के बीच में जो गड्ढा बनेगा, इस गड्ढे में आपका पेट आ जाएगा, क्योंकि कमर दर्द में हमें कभी भी आगे नहीं मुड़ना चाहिए, डॉक्टर भाई भी हमारे ये सुझाव और सलाह देते हैं कि आगे झुकने से आपका कमर दर्द बढ़ेगा, पर क्योंकि हमने दोनों घुटने खोल लिए, जंघाओं के बीच में गड्ढा बनेगा, तो यहाँ हमारा स्टमक आ जाएगा, पेट आ जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे हाथों को ले जाइए और आपकी पूरी पीठ खिंचेगी, थोड़ी टिका दीजिए, श्वास सामान्य, लंबर्स पे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, आप आगे भी झुक गए और आपके स्पाइन स्ट्रेट है, रीढ़ की हड्डी मुड़ नहीं रही, बल्कि उसमें उल्टा लाभ ही मिलेगा आपको, बहुत अच्छा इसमें खिंचाव आएगा। शशांग आसन इसका नाम है, खरगोश हमारे आंगन में या चिड़ियाघर में आपको जहाँ भी बैठा मिलेगा वो इस स्थिति में मिलेगा, और कुत्ता भी, स्वान भी हमारे घर में ऐसे आगे बैठता, अगले पैर ऐसे होते हैं, पिछले पैर ऐसे मुड़े होते हैं, तो ये स्वान आसन भी है और खरगोश आसन भी है। अब इसके बाद सजनों ऐसे उठ गए आप, इसके पश्चात आप करिए मृगासन। ये देखिए, ये पैर पकड़ा, ये हाथ यहाँ घुटने से इधर पार कर दिया और आपने सहारा लेना है, इस हाथ से सहारा लिया, सहारा लेके ये पैर, घुटना जो है हमारा घड़ी की सुई की तरह पीछे की तरफ जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे गया और चेहरा इस तरफ ऊंचा होगा। ये मेरा जो पीछे वाली एडी है ये हिप से लग रही है, इसको कूल्हे से दूर ले जाना है, तो देखिए ऐसे, उतना ही ऊपर यहाँ कंधे पे खिंचाव पड़ेगा, पूरी बाजू में खिंचाव आएगा आपका, ये कमर दर्द के लिए मैं आसन बता रहा हूँ, लेकिन ऊपर आपका सर्वाइकल माइग्रेन ठीक हो रहा है, कंधे में दर्द रहता है, बाजू में दर्द रहता है, उसको भी ये ठीक कर रहा है, और नीचे पेट में, नाभि प्रदेश में, पेट के सभी अंगों पर बहुत अच्छा खिंचाव इससे आ रहा है, तो आपके एक आसन करने से जहाँ आपका कमर दर्द ठीक होगा, वहीं आपके और बहुत सारे अंग प्रत्यंग आपके स्वस्थ सशक्त
होंगे, निरोग होंगे, धीरे से वापस किया। इसकी आवृत्तियाँ आप कई बार कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक ही बार किया एक तरफ, ऐसे आप 2, 3, 4, 5 बार कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ इस कूल्हे पे बैठ गए, अब ये पैर मोड़ा, इसको घड़ी की सुई की तरह ऐसे धीरे धीरे पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाके ये देखिए पीछे वाली एडी पीछे कूल्हे से मिली हुई है, कोहनी मुड़ी हुई है ये पीछे वाली, ये कोहनी बिल्कुल ऐसे सीधी होती चली जाएगी और ये एडी नितंब से कूल्हे से दूर होती चली जाएगी, ये हो गई। और अब देखना इधर है, ऊंचा सीना खिंच गया, कंधे खिंच गए, पेट की मांसपेशियां अंग प्रत्यंग खिंच गए, जंघा की मांसपेशियां खिंच रही हैं, आपकी कमर दर्द में विशेष लाभ मिलेगा, बहुत लाभकारी आसन है ये मृगासन। तो सजनों ये मृगासन आपने किया, इसके पश्चात आप करें उष्ट्रासन। लेकिन ध्यान रहे, जिनके घुटनों में तकलीफ ज़्यादा रहती है वो घुटनों पे ना बैठें, उन्हें तकलीफ ये बढ़ाने वाला हो सकता है। तो उष्ट्रासन में आप ये वज्रासन में बैठे, फिर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे और ये हाथ कूल्हों पे रखें। बच्चे लोग तो प्रॉपर उष्ट्रासन किया करें, पर बच्चों को ऐसा स्थाई कोई कमर दर्द नहीं हुआ करता, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ। बड़े लोग इसको ऐसे ही करें और बच्चे इसको यहाँ से ये हाथ टिका के कर सकते हैं, पर बड़े लोग यहाँ ही करें, श्वास सामान्य चलता रहे, धीरे से वापस हो जाए, फिर श्वास भर के फिर धीरे से पीछे झुके। लेकिन सावधानी एक और भी ध्यान रखनी होगी, जिन्हें चक्कर आता हो उनके ये चक्कर बढ़ाने वाला होगा, उन्हें नहीं करना। तो धीरे से वापस किया, और अब आपने मान लीजिए खड़ा होना है, खड़े होने में भी हमें सावधानी बरतनी है। यदि हम खड़े झटके से होंगे, टेढ़े मेढ़े ढंग से होंगे, तो हमारा कमर दर्द बरकरार बना रहेगा। हम योग से चिकित्सा भी ले रहे हैं और असावधानी बरत रहे हैं, तो हमारे कमर दर्द ठीक होने में टाइम ले सकता है। इसलिए प्रिकॉशन के साथ हमें खड़ा होना, देखो ऐसे खड़े हैं, यानी कि हम बैठे थे, ऐसे बैठ के हम ऐसे ये सहारा लिया, इस पोज में आ गए, ऐसे ये पैर टिकाया हाथों के सहारे से, और अब ये हाथ दोनों घुटने पर रखे, दोनों हाथ पैर का पंजा ऐसे खड़ा किया, ये सहारा दिया और ऐसे खड़े हो गए। धीरे से धीरे से खड़े होने के बाद फिर आप करेंगे नटराज आसन। इसको अवश्य सहारा लेके करें, जैसे मान लीजिए ये बड़े बूढ़े कोई बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, वो किसी खंबे का पिलर का सहारा ले लें, दीवार का सहारा ले लें। सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति तो इसको ऐसे ही करें, पर क्योंकि कमर दर्द में आप कर रहे हैं और आपने हवा में खड़े होकर ऐसे ही किया खुले में, और आपका बैलेंस बिगड़ा इस तरह से, ये ऐसे करने जा रहे हैं और ऐसे बिगड़ गया बैलेंस, तो आपको तो झटका लगने वाला है। झटका लगने से जहां आप दर्द ठीक करना चाह रहे थे और बढ़ेगा। तो इसलिए आप प्रॉपर सहारा ले लें किसी खंभे पिलर का, फिर आपने ये पैर पकड़ा और ये आगे सहारा लिया हुआ है मान लीजिए दीवार का खंभे का, फिर आप इसको ऐसे धीरे धीरे खींचते जाएं, वही मृगासन की तरह ये कंधा खिंच रहा है, पीछे से लंबर्स पे खिंचावा रहा है, ये जंघा खिंच रही है, और इसको अच्छे से संतुलन के साथ एकाग्रता के साथ ये हाथ थोड़ा ऊंचा रखना पड़ेगा हमें दीवार के साथ खंभे के साथ। धीरे से वापसी किया, फिर श्वास बाहर करके थोड़ा विश्राम करें, विश्राम करके फिर भरा श्वास, दूसरे पैर से पकड़ा और ऐसे खींचना है, ये आराम से खींचिए, नटराज आसन, धीरे से वापसी किया। इसके बाद आप त्रिकोण आसन कर सकते हैं। त्रिकोण आसन में दोनों पैर खोल लिए, इसे भी जिन्हें चक्कर आते हैं वो थोड़ा सावधानी पूर्वक और अच्छा रिलैक्स करके, यानी कि हड़बड़ाहट में ना करें, ये पैर हाथ यहाँ जंघा पे लगा दिया, ये हाथ उठाया श्वास भरते हुए ऊपर, और अब धीरे धीरे ऐसे झुकना है, ये त्रिकोण आसन। जितनी देर रुकें
श्वास सामान्य चलता रहेगा, फिर आप श्वास भरें और यहाँ तक वापसी, श्वास बाहर, विश्राम हाथ नीचे, ऐसे ही इसका काउंटर पोज पूरक दूसरी तरफ से भी करें। ये किया और पूरा खींचने के बाद धीरे धीरे ऐसे झुकें, बिल्कुल साइड में झुकना है, ऐसे आगे नहीं झुकना, पीछे नहीं झुकना, पूर्णतया साइड में झुकना है। तो आपके लंबर्स पे खिंचाव आएगा, ये साइड खिंचेंगे जिनकी साइडों में चर्बी बढ़ती है, टायर आ जाता है उसको भी ये कम करेगा। इसके पश्चात आप चंद्र नमस्कार आसन करें, ये भी सहारे के साथ करना है। दीवार मान लीजिए मेरे पीछे है, दीवार को ऐसे हाथ टिकाइए उल्टिए उंगलियां करके पीछे की तरफ और श्वास भरते हुए ये हाथ दीवार को टिका लिए। अब छोटे छोटे कदम पैर ऐसे बढ़ाते जाएंगे आगे को और आप ऐसे झुकेंगे तो आपकी कमर के दर्द को तो ठीक होना ही पड़ेगा। जब आप इस तरह से विधिवत आसन करेंगे पूरी प्रिकॉशन के साथ, झटके और जल्दबाजी छोड़नी होगी, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में उठेंगे, लेटेंगे, बैठेंगे, ऐसे उछल के बैठ जाएंगे तो आपको हानि होने वाली है। आप बैठना है, मैं अभी खड़ा हुआ था तो बैठना है, तो प्रॉपर ये पैर आगे बढ़ाया, ये घुटना टिकाया धीरे से, फिर ये हाथ का सहारा लिया, एक कूल्हा टिकाया, आराम से बैठे। और अब चाहे आप आलती पालती में बैठें, पैर सीधे करेंगे तो आपको कमर दर्द आने वाला है, ऐसे पैर सीधे ना किया करें, आप आराम से थोड़े से कंफर्ट होके बैठा करें। ये आपको बैठने की स्थिति हुई। अब सज्जनों, राहत दूसरा तरीका, कमर दर्द आप जो है ज़्यादा दिन से पीड़ित हैं, हो सकता है इनमें से कई आसन भी कुछ सज्जन माताएं बहनें ना कर पाएं, कुछ शारीरिक संरचना होती है, कुछ खुद की मजबूरी होती है कई कारणों से, कहीं किसी का वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई भी कारण पे मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में आप गीला तौलिया लें, गर्म पानी में भिगोया हुआ, गर्म पानी थोड़ा तेज़ गर्म होना चाहिए, उसको आप अच्छे से निचोड़ लें। निचोड़ने के पश्चात उसको अगर लग रहा है कि यहाँ टच करें, यहाँ आपको गर्म ज़्यादा नहीं लग रहा, तो उसको आप दूसरे किसी की मदद से, घर में कोई बेटा है, बहू है, बेटी हैं, पतिदेव हैं, कोई भी सज्जन हो जो आपकी सेवा कर सकें, आप आराम से उल्टा लेट जाएं पेट के बल, और तौलिया लग रहा कि अभी निचोड़ा था और गर्म ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, तो एक आध झोटा ऐसे लगा दें, झूला झूला दें उस तौलिए को, उतने में ही वो सामान्य आ जाता है, फिर टच करके देखें आपको ठीक लगेगा। सहन करने लायक तो कमर पे उसको ढकवाएं, और तौलिया की सिकाई से कमर दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। ये एक सहज तरीका है ऐसे भाई बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए जो प्रॉपर सारे आसन ना कर पाएं। आसनों से करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके और अंग प्रत्यंग भी आपके स्वस्थ और मजबूत होंगे। लेकिन मैंने आपको एक उसका विकल्प दिया है, तो आप तौलिया के माध्यम से बार बार भिगोएं, निचोड़ें, जितनी देर तक वो आपको ऊष्मा और गर्माहट देता रहे तब तक तौलिया कमर पे ढके रखें। इसको पेट पे भी कर सकते हैं आप, यानी कि पेट पे करने का मतलब ये नहीं कमर दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए तो कमर पे ही रखना पड़ेगा, पेट में यदि आपको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप पेट पे भी तौलिया से सिकाई करके आपके अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही आपने लेटने का तरीका का ध्यान रखना है सज्जनों, खड़े होने का तरीका ध्यान रखना है, प्लस पेट की सफाई पे विशेष ध्यान देना है। पेट अच्छे से साफ होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, नहीं दूषित गैस प्रकोपित होगी, और आपको कमर दर्द में लाभ मिलता चला जाएगा, क्योंकि कमर दर्द आपका बढ़ेगा यदि पेट साफ ठीक से नहीं होगा तो गैस से उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप पेट साफ रखने पर ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं, सलाद, मोटे आटे की रोटी खाएं, और हो सके तो गुनगुना पानी पिया करें ज़्यादातर, जब आपको लगे नहीं अब तो ठंडा ही पानी चाहिए, इतनी तेज़ प्यास लग रही है। हमारे देहात में उसको बोलते हैं डुकास, जब बिल्कुल नहीं रुका जाता, मान लीजिए बथुए की रोटी खाई है आपने, ऐसी स्थिति में आपको घड़े का ठंडा पानी जो पीने की आदत डालनी चाहिए, ठंडा फ्रिज का तो बिल्कुल ना लें,
ऐसी कोशिश करनी है, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो सज्जनों, इस विधि से आप गंभीर कमर दर्द को बहुत जल्दी ही ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ और खुशहाली का जीवन जी सकते हैं। ये मैंने आपसे कमर दर्द के कुछ आसन निवेदन किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते।